गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज जो हमारा थर्ड पार्ट है, ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, यानी पांच पॉइंट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइव पॉइंट्स अभी हमारे बचते हैं, तो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही आज का टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, उसी के साथ साथ हमारी कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज़ भी क्लियर हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ड्यूटीज़ कंपनी ऑडिटर की टिप्स पे हो जाएंगे और आपको कहीं भी ये ड्यूटीज़ दिखे तो आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ जी, हमने ये ड्यूटीज़ वहाँ पर पढ़ी थी। तो ठीक है, देखिएगा पूरे आराम से, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ हम सिक्स पॉइंट से आज शुरू करने जा रहे हैं। वो है सिक्स, नॉट टू चीट द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ चीट नहीं करनी, ऑडिटर क्लाइंट के साथ चीट नहीं करेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर नॉट टू चीट हिज क्लाइंट इन दिस रिलेशन। इट मे बी सेड दैट ही शुड टेक हिज रेम्यूनरेशन ओनली व्हेन ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कहता है ऑडिटर जो है चीट नहीं करेगा अपने क्लाइंट में। और इस रिलेशन में ये बात भी कही जाती है कि ऑडिटर तभी उसे अपनी रेम्यूनरेशन लेनी चाहिए जब वो अपना काम कंप्लीट कर चुका हो। ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम दिस, द ऑडिटर शुड नॉट ऑल्सो चीट हिज असिस्टेंट एंड ही शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। कहता है ऑडिटर को ना एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स, डायरेक्टर्स के टुवर्ड्स, सबके टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहना चाहिए। यानी कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए उसके असिस्टेंट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं क्लाइंट के साथ ही वो अच्छा बिहेव करे, ऑनेस्टी के साथ रहे। उसके असिस्टेंट्स, उसके एम्प्लॉयज़, उनके साथ भी वो अच्छा बिहेव करे, ऑनेस्टली रहे। ठीक है, चीट करने की बात ही नहीं आनी चाहिए, ऑडिटर को चीटर नहीं होना चाहिए। अब जो डिसीजन लिए गए थे, ये केसेस हैं आर बी बासु वर्सेस आर के मुखर्जी एंड अनुपम रॉय वर्सेस आर के मुखर्जी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो आर बी बासु था और आर के मुखर्जी का केस था, और जो अनुपम रॉय है एंड आर के मुखर्जी रिस्पेक्टिवली, यानी इन दोनों का केस है और ऊपर वाले दोनों का केस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो ये जो केस जब कोर्ट में गया था, तो वहाँ से क्या निकल के आया था कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो चीट नहीं करेगा क्लाइंट को। सेवेंथ ड्यूटी आती है ऑडिटर की, नॉट टू बी अननेसेसरली सस्पिशियस। कहता है जो ऑडिटर होगा ना, वो बिना काम में ऐसे हर बात पर डाउट लेके नहीं बैठेगा। हमने पहले भी बात किया था कि जो ऑडिटर का काम है, अच्छी बात है, वो हर चीज़ को डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन कि अननेसेसरली किसी बात को सस्पेक्ट में लेना, डाउट करना, ये अच्छी बात नहीं है। द ऑडिटर शुड नॉट सस्पेक्ट द एम्प्लॉयज ऑफ द क्लाइंट विदाउट कंक्रीट एविडेंस। बिना गवाही के, बिना प्रूफ के उनके ऊपर शक करना, एम्प्लॉयज के ऊपर जो क्लाइंट के एम्प्लॉयज हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ, ऐसा हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, इस केस में ऐसा हुआ था। तो कहता है तभी से ये ऑडिटर की ड्यूटी बन गई थी वो कि वो अननेसेसरी सस्पेक्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ आर्मिटेज वर्सेज ब्रीवर एंड नॉट, इट वॉज हेल्ड दैट द ऑडिटर शुड बी वेरी सस्पिशियस। इसमें पाया गया था कि ऑडिटर कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस हो गया था, सिंस दैट वॉज द मेन एम बिहाइंड हिज अपॉइंटमेंट। इन दिस केस जज टैलबोट था, उन्होंने पाया हेल्ड दैट इफ ईच एम्प्लॉयज ऑफ द क्लाइंट वॉज ऑनेस्ट एंड केयरफुली, द नीड फॉर ऑडिट वुड नॉट अराइज एट ऑल। हाउएवर, द वर्ड सस्पिशियस डज नॉट इम्प्लाई दैट ही शुड अनड्यूली सस्पेक्ट ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज, रादर इट इम्प्लाइज दैट ही शुड रिमेन ऑलवेज रिमेन अलर्ट। कहते हैं ऑडिटर को सस्पिशियस का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि जो जज था ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को, हर जो क्लाइंट का एम्प्लॉय है, उसको ऑनेस्ट एंड केयरफुल रहना चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट और केयरफुल रहेगा, तो इसका मतलब ऑडिटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वैसे तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं होगी। और ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्योंकि ऑडिटर कंपनी के केस में कराना कंपलसरी है, तो ऑडिटर तो आएगा, ऑडिटर आएगा तो वो अनड्यूली सस्पेक्ट नहीं करेगा। बिना काम पे हर एक एम्प्लॉय के ऊपर सस्पेक्ट करके बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता वो, लेकिन मतलब उसे अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन सस्पेक्ट करना ये कोई बात नहीं है। ऑडिटर सस्पेक्ट नहीं करेगा अननेसेसरली, वो केवल क्या करेगा, अलर्ट रहेगा हर टाइम पे। ओके जी, अब ऑडिटर की एट्थ ड्यूटी आती है, नॉट टू टेक गारंटी ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। जो ऑडिटर है वो अकाउंट्स की एक्यूरेसी की गारंटी नहीं ले सकता। कैसे लेगा भाई, उसने अकाउंट्स प्रिपेयर थोड़ी ना किए हैं, उसने ऑडिट किया है। अब उसे जो भी बात गलत लग रही है पी एंड एल में, बैलेंस शीट में, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर रहा है। उसे जहाँ जहाँ गड़बड़ी लग रही है वो हर चीज़ बता रहा है। तो एक ऑडिटर जो है वो गारंटी नहीं ले सकता कि जो अकाउंट सर्टिफाइड किए हैं उसने, डू नॉट कंटेन एनी इनएक्यूरेसी, उनके अंदर कुछ इनएक्यूरेसी है ही नहीं। बिफोर गिविंग सच ओपिनियन ही शुड एग्जामाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरी केयरफुली। और ऐसा ओपिनियन देने से पहले उसे मतलब क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा। His duty is to certify whether the profit and loss account and balance sheet present a true and fair view of the states of affairs of the organization. उसकी जो duty है वो इतनी है कि वो profit and loss account,
बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे इस बात के बारे में वो सर्टिफाई करे. इन द केस ऑफ लंडन एंड जनरल बैंक इट वॉज हेल्ड दैट द ऑडिटर मेयरली सर्टिफाइज द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल अकाउंट्स एंड हिज ओपिनियन आफ्टर एग्जामिनिंग इन द सेम. कहता जो ये केस था इसके अंदर पाया गया था कि जो ऑडिटर है वो केवल सर्टिफाई करता कि एक्यूरेसी फाइनल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करने के बाद. ही इज नाइदर द इंश्योरर और नॉर द नॉर डज ही गारंटी ऑफ द सेम. कहता है मतलब ये बात सही है जो ये केस हुआ था यहाँ पे लंडन एंड जनरल बैंक. इसमें कहता है कि ऑडिटर ने बस इस बात की सर्टिफाई किया कि जो फाइनल अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है. यानी कि उसने इस बात को सर्टिफाई किया मतलब अपने ओपिनियन के बेस पे. यानी कि उसने अपने ओपिनियन के बेस पे ये बता दिया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के P&L अकाउंट है बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं. वो अपने ओपिनियन के बेस पे बता रहा है. वो गारंटी थोड़ी ना ले सकता है इस बात के कि हाँ जी एक्यूरेट है ही है. उसने मेंटेन थोड़ी ना किए हैं अकाउंट्स जो इस बात पे वो श्योर होगा. मतलब कि ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी ये नहीं बनती कि वो गारंटी ले कि अकाउंट्स एक्यूरेट हैं. नहीं जी, ऑडिटर केवल चेक करेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ऑडिटर का इतना काम है. ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो गारंटी दे कि हर एक अकाउंट एक्यूरेट है. नाइन्थ पॉइंट में देखिए, ड्यूटीज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन. जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटीज होती है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू एक्सरसाइज स्पेशल कॉशन ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. कहते जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो स्पेशल कॉशन जब भी वो वेरीफाई कर रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को तो एक अलग से एक्स्ट्रा केयर यानी एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाए जब भी वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को वेरीफाई करा रहा है. For example, while verifying debenture, the debenture trust deed, the sinking fund and the investment of the same should be examined. Har ek debenture trust deed, sinking fund, investment, in sab ko examined kiya jana chahiye. This decision was given in the case of Dabur and Sons Limited versus M.S. Krishna Swami. To ye jo case hai, ye Dabur and Sons Limited versus M.S. Krishna Swami ka case hai. जिसके केस में ये बात कही गई थी कि जो ऑडिटर है उसकी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी ड्यूटीज है. जब भी वेरीफाई होगा तो वह एक्स्ट्रा केयर करे. ओके जी, एंड टेंथ और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, लास्ट जो कोर्ट के डिसीजन लिए गए थे उनके बेस पे जो ऑडिटर की ड्यूटी बनी वो क्या ड्यूटीज है. अदर डिसीजन कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू पर्सनली वेरीफाई दैट ऑल द सिक्योरिटीज एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड इन सेफ कस्टडी. कहता है अदर डिसीजन में जो पहले ड्यूटी आती है ऑडिटर की वो कहता है कि वो पर्सनली वेरीफाई कर ले सारी सिक्योरिटीज जो भी कंपनी के नाम पे एक्चुअली प्रेजेंट हैं. कंपनी के नाम पे जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ली गई हैं मतलब शेयर्स डिबेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे सिक्योरिटीज की वो एक्चुअली में प्रेजेंट हैं और सेफ कस्टडी में है या नहीं है ये ऑडिटर की अदर ड्यूटी में आता है. केस दे रखा है सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रॉपरली एग्जामिन द इन्वेंटरी लिस्ट एंड अकाउंट्स. जो नेक्स्ट ड्यूटी आती है ऑडिटर की वो है कि ऑडिटर जो है प्रॉपरली एग्जामिन करे कि जो इन्वेंटरी की लिस्ट है और अकाउंट्स की. ठीक है, मतलब ऑडिटर की सेकंड ड्यूटी हमारी क्या आ रही है यहाँ पे. ऑडिटर की सेकंड ड्यूटी आ रही है कि ऑडिटर जो है प्रॉपरली एग्जामिन करेगा इन्वेंटरी की लिस्ट को एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. ये जो केस है हेनरी स्क्वायर वर्सेस बाल बेकर कंपनी. नेक्स्ट ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट व्हाइल सर्टिफाइंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी कंपनी ही शुड वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट पर्सनली. जब भी वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी की वेरीफाई कर रहा है सर्टिफाई कर रहा है तो वो पर्सनली वेरीफाई करे. और जो केस है स्टेट वर्सेज GMO का, इसके बाद ये ड्यूटी बनी थी ऑडिटर की. नेक्स्ट ड्यूटी, द ऑडिटर शुड इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द वायलेशन कमिटेड बाय द कंपनी ऑफ द प्रोविजन of the Companies Act. ऑडिटर ये shareholders को inform करेगा अगर company कोई भी provision violate कर रही है Companies Act का. यानी कोई भी company जहाँ पे auditor appoint किया गया audit करने के लिए अगर वो किसी भी Company Act के provision का violation कर रही है तो auditor ये बात तुरंत shareholders को बताएगा. और जो case था Joint Secretary to the Ministry of Trade and Industry Government of India versus AC Kehar. ओके, एंड लास्ट जो ड्यूटी है ऑडिटर की, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द लिस्ट ऑफ डेटर. डेटर की लिस्ट को चेक करेगा इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम. कि कोई बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो इनके अंदर इंक्लूड नहीं है लिस्ट ऑफ डेटर के अंदर. इस बात को भी एग्जामिन करने के लिए ऑडिटर की ये ड्यूटी है. जो केस है वो है द इरिश वुडन कंपनी वर्सेज टाइसन एंड अदर्स. और जो केस है ये यहाँ पे क्लियरली गिवन है.
तो आई थिंक आज जो हमारी ड्यूटीज हैं वो जाके कंप्लीट होती हैं, तीनों की तीनों ड्यूटीज। यानी हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, 1949 एक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, और कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिए उसके बाद ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, हमने एक एक करके बहुत ही प्यार से, बहुत स्लोली स्लोली एक एक पॉइंट को क्लियर किया, एक एक ड्यूटीज हमारी क्लियर हो गई हैं आज। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगेंगी और आप बहुत अच्छे से इनको सुन रहे हैं। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।